तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपने गूगल शीट्स को ओपन करना है। ब्लैंक आपने यहाँ पे किसी एक मेन टॉपिक को लिखना है, जैसे कि हो गया वर्डप्रेस, उसके बाद एसईओ, और उसके बाद शॉपिफाई, विक्स, इन चार को कर लेते हैं। तो इन सब के रिलेटेड आपने टॉपिक्स ओपन करने हैं, मतलब के एसईओ। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल ये एक हो गया डुप्लीकेट कंटेंट। तो ये आप देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बेकार है, मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट वन साइट मैप। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। इसमें 232 सर्विसेज हैं और यहाँ पे रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं लोगों को। तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं साइट मैप। उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो ये भी अंडर 1000 है। जितनी कम सर्विसेज होंगी उतना कम कंपटीशन होगा। तो 74, तो आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई जो है उसका ज़्यादा है, वर्डप्रेस है। तो इसको हम शॉपिफाई के अंडर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक हेड वर्ड है, इसे सर्च करते हैं। तो कोई सर्चेस नहीं। यहाँ पे लिखते हैं टर्म्स इन एसईओ। एल्गोरिथम अपडेट से सर्च करते हैं, तो इसमें भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं। ठीक, उसके बाद एल्गोरिथमिक पेनल्टी। तो अगर आप सिर्फ पेनल्टी की सर्च करें तो आप देख सकते हैं 42 सर्विसेज हैं सिर्फ, और यहाँ पे लोगों को रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं।
मतलब यहाँ पे बनाई जा सकती है पेनल्टी SEO। अच्छा उसके बाद आल टैग, तो ये इतनी खास नहीं, इसमें 106 है, बनाई तो जा सकती है लेकिन एक आधा ऑर्डर ही आएगा एक माह में। एंकर टेक्स्ट, उसके बाद बैक लिंक, तो बैक लिंक आप देख सकते हैं काफी कॉम्पिटिटिव है। जो कॉम्पिटिटिव नीचेज होती हैं उनमें आपको सब टर्म्स में जाना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया साइटेशन, तो साइटेशन में भी काफी ज्यादा सर्विसेज हैं। आप किसी चीज को टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैक लिंक है, मैं इधर लिखता हूँ बैक लिंक स्ट्रेटजीज, गेस्ट पोस्ट, तो इसमें भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। फिर ये जो गेस्ट पोस्ट का वर्ड है आप इसे भी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब आप और ज्यादा नीच स्पेसिफिक कर सकते हैं। कंप्यूटर बैक लिंक्स, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, तो ये टर्म्स वाला पेज है, यहाँ से ब्लॉक कमेंटिंग,
ब्लॉग कमेंटिंग में स्पेस तो है, इसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रैंक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाउंस रेट तो ये ट्रैफिक प्रोवाइडर्स हैं, इनके भी काफ़ी डिमांड है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा काम है। ब्रेड क्रम्ब, कैनोनिकल, CTR, कंप्यूटर एनालिसिस, डी इंडेक्सिंग, डिसअवो, तो डिसअवाओ ये एक नीच है जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है और गिग्स बहुत ही कम है, लेकिन ये भी पेनल्टी के साथ ही है। डू फॉलो लिंक, डोमेन अथॉरिटी, एडिटोरियल लिंक, ईमेल आउटरीच,
गूगल पे स्पीड इन साइट्स। तो इसमें भी डिमांड काफी ज्यादा है और अभी तक जगह है। गूगल सर्च कंसोल गूगल एड्स गूगल एनालिटिक्स में थोड़ी बहुत जगह है, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं। गूगल मैप्स, अगर आपने सब नीचे फाइंड करनी हो तो यहाँ पे आप कीवर्ड लिखेंगे तो नीचे सब शो होंगी। स्क्रैप गूगल बिजनेस लीड्स, स्क्रैप गूगल माई बिजनेस लीड्स। गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, तो मोबाइल फ्रेंडली इसमें काफ़ी डिमांड है सर्विसेज काम में। गूगल ट्रेंड्स, गूगल वेब मास्टर्स,
HTML साइट में SSL और HTTPS आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सट्रीम लेवल की डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है। 400 गिग्स हैं और एवरेज गिग पे किसी पे 1000 रिव्यूज़ हैं और किसी पे 200। तो मेरे ख्याल से तो ये सबसे बेहतरीन है जितने भी हमने फाइंड किए हैं। इमेज फाइल नेम मेडा सीओ इंडेक्सिंग मैं
स्निपेट्स में भी गिग बनाई जा सकती है, उसमें भी ये रिव्यू हैं काफ़ी अच्छे, तो इसे भी ऐड कर लेते हैं।
स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल, बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।